देखते रहिए। आज सीएम भूपेश बघेल देखेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जी हां, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था। सीएम बघेल ने सभी विधायकों को आमंत्रित किया है ये फिल्म देखने के लिए। रात 8 बजे के शो के लिए विधायकों को न्योता दिया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। फिल्म देखने के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया गया है। जी हाँ, ये फिल्म देखी जाएगी, सभी के साथ ये फिल्म देखी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिल्म देखने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स, और सदन में भी ये मुद्दा गूंजा है। आशीष, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सदन में ये मुद्दा गूंजा, टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म देखी जाएगी आज और पूरा हॉल बुक कर लिया गया है। देखिए, इसके काउंटर रिएक्शन के तौर पर मुख्यमंत्री ने सदन में बात कही है कि जिस तरीके से एक सियासत छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से खड़ी की जा रही है फिल्म को लेकर, उस प्रसंग में मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये काउंटर स्ट्रेटेजी अख्तियार की है और ये कहा है कि अब केंद्र सरकार इस विषय पर जो फिल्म में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है राज्य में, केंद्र सरकार एक प्रस्ताव पारित करे और पूरे देश में एक साथ इसे टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए। बहरहाल, जो फिल्म का जो न्योता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है, तो मुख्यमंत्री का वो बयान इस वक्त ध्यान आ रहा है, जब तब एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तब मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि फिल्म एक अभिव्यक्ति का एक जरिया होता है और फिल्म को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है तब तक जब तक फिल्म एक बाइज्ड वे में प्रेजेंट की जाए। चूंकि सियासत का एक बड़ा मुद्दा द कश्मीर फाइल इस वक्त राज्य के भीतर बन रही है, तो ऐसे में सियासत पर एक काउंटर रिएक्शन और काउंटर स्ट्रेटेजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की से मानी जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर बीजेपी के विधायकों को आज अपने साथ फिल्म देखने का न्योता दिया, पूरे थिएटर को बुक करा लिया है सरकार की तरफ से। और ना केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिल्म देखने जाएंगे बल्कि उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, विपक्ष के तमाम नेता होंगे। सबसे दिलचस्प पहलू क्या होगा, वो पहलू ये होगा कि मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखने के बाद अपने बयान में क्या कहते हैं। बिल्कुल, और रात 8 बजे ये फिल्म देखी जाएगी और सभी एक साथ मिलकर ये फिल्म देखने वाले हैं।